हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास फोर्थ चैप्टर फाइव पार्ट फोर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। तो मैं चलिए एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देती हूँ इसका कि ये देखिए, सपोज़ ये हमें जो हम लोगों ने जो टाइप किया है बेसिक प्रोटेक्टिव मेजर्स है, इसको इसका हमें फॉन्ट साइज़ चेंज करना है। फॉन्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी हम लोग टाइप करते हैं ये सब क्या है फॉन्ट, जैसे बी है, ए है, एस आई सी है, जो भी हम लोगों ने ये सब जो टाइप किया है ये इसको क्या कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में? फॉन्ट। ठीक है, तो अब हमें इसका अगर साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो सबसे पहले हमें माउस से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो माउस का पॉइंटर ये देखिए, इस टाइप से ये यहाँ ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाले प्लेस होल्डर में ले आएंगे, इसे बी के एकदम सामने लाए और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको ऐसे माउस पकड़ करके ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हल्का डार्क शेप में आ जाएगा। दिख रहा है ये? देखिए पूरा डार्क शेप में आ गया है। ठीक है, अब हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? हमें फर्स्ट स्टेप क्या था, क्लिक ऑन होम टैब। तो ये देखिए होम टैब, यहाँ पे होम टैब पे तो है ही है। ठीक है, होम टैब पे हमने क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, फॉन्ट ग्रुप में हमें ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। तो ये देखिए ये फॉन्ट ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप में ये देखिए यहाँ पे साइज दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पर फॉन्ट बॉक्स ये सारे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है इसका चेंज, फॉन्ट टाइप पहले चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट टाइप यहाँ पे हम जहाँ एरियल लिखा हुआ है ये दिख रहा है आपको एरियल, यहाँ पे आप इसके साइड में ये छोटा सा जो एरो बना हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे माउस से और ये देखिए डिफरेंट टाइप के जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट टाइप है या फॉन्ट स्टाइल है ये आपको यहाँ पे शो करेगा। आप जैसे जैसे माउस का पॉइंटर उस पर रखते जाएंगे आपका इस साइड स्टूडेंट्स देखिए, इस साइड आपका वैसे ही आपका जो फॉन्ट है यानी कि जो भी आपने टाइप किया है वो उसी टाइप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला कर दिया, एलजीरियन कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, इसी पे क्लिक करना, ऐसे छोड़ नहीं देना, छोड़ देंगे तो वैसे का वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए हम माउस से क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे। ठीक, अब ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, एलजीरियन टाइप का हो गया। देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ये देखिए एलजीरियन। ठीक है, तो जिस भी टाइप का आपको फॉन्ट चाहिए वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट साइज़, यानी इसका साइज़ हम बड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में देखिए 80 साइज़ कर दिया था, आज मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसके जो साइड में जो दिया हुआ है राइट साइड में छोटा सा पॉइंट बना होता है एरो, इसमें से ये देखिए यहाँ पर साइज़ दिए हुए हैं। आपको जिस भी साइज़ का चाहिए उस साइज़ पे आप माउस का पॉइंटर लेते जाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस आपको शो होंगे। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको चेंजेस शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी आपको साइज़ चाहिए आपके प्रेजेंटेशन का, आप उस साइज़ पे क्लिक करेंगे माउस से। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया माउस से, तो ये साइज़ आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सेविंग अ प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको हमें क्या करना है, उसको सेव भी तो करना है। सेव हम क्यों करेंगे, फॉर द फ्यूचर यूज़। ठीक है, कभी कभी हमें फ्यूचर में मान लीजिए यूज़ करना है, हमें कुछ भी उसमें वर्क करना है तो हमारे पास प्रेजेंटेशन एक रेडी रहेगा तो हम उसको तुरंत ओपन कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल टैब। तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब पे। तो ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे, ये फाइल टैब पे हम यहाँ पे हमने क्लिक किया। ठीक, अब फाइल टैब पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस टाइप का बॉक्स आएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सेव और सेव एज। आपको सेव एज वाले पे आप क्लिक करेंगे, वैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा बॉक्स, लेकिन आपको सेव एज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने माउस का बटन क्लिक किया। ठीक, अब यहाँ पे दिस पीसी पर आप क्लिक करेंगे, देखिए दिस पीसी दिया हुआ है, दिस पीसी पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही माउस का बटन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा, ये देखिए। ठीक है, डायलॉग बॉक्स खुल करके आया। अब यहाँ पे ये दिख रहा हुआ है आपका नेक्स्ट
फाइव फिफ्थ स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन फाइल नेम। ये दिख रहा है यहाँ पे फाइल नेम, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये फाइल नेम है ना, फाइल नेम दिख रहा है। यहाँ पे आप इसके इधर साइड में देखिए ग्रीन सिटी क्लीन सिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस आपको जो भी नेम देना है यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे जो भी आपको नेम अच्छा लगे, जैसे यहाँ पे ग्रीन सिटी क्लीन सिटी लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे हमने कीबोर्ड से हम क्या टाइप कर लेंगे, मान लीजिए हमने APS हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, APS फिर डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमने क्या कहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पे क्या नाम दे दिया, APS डॉक्यूमेंट। ठीक है, APS डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव पे, ये देखिए सेव दिख रहा हुआ है बटन। नेक्स्ट आपका सिक्स स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन सेव बटन, तो आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये जो आपने जो प्रेजेंटेशन जो रेडी किया था, ये वाला, ये देखिए फर्स्ट स्लाइड वाला और सेकंड स्लाइड वाला, इस प्रेजेंटेशन का आपका क्या नाम हो गया, APS डॉक्यूमेंट। ये देखिए आपको टाइटल बार में यहाँ पर ये शो होगा, देखिए APS डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ओपनिंग अ सेव्ड प्रेजेंटेशन, यानी आपको इस प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हमें क्लोज़ करना पड़ेगा तभी तो ओपन करेंगे, है ना। तो हम इसको क्लोज़ बटन से क्लोज़ कर देंगे, यानी हम इस पावर पॉइंट के बटन से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्लोज़ बटन है, दिख रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ से क्लोज़ बटन पे क्लिक किया, ये देखिए अब पावर पॉइंट की विंडो फिनिश हो गई है, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले वापस से पावर पॉइंट ओपन करेंगे। तो सिंपल हम कहाँ पे टाइप करेंगे, सर्च कर लेंगे यहाँ से पावर पॉइंट, जहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च, यहाँ से हमने लिखा पावर पॉइंट POWER। देखिए जैसे हम थोड़ा भी लिखते हैं पावर पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर ओपन हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए रीसेंट में दिया हुआ है आपको APS डॉक्यूमेंट, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे भी आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ से भी आपकी पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी। मैं क्लिक करके दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने और ये देखिए पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो गई। कभी कभी होता है कि कुछ कंप्यूटर्स में यहाँ पे शो नहीं करती है, तो उसके लिए क्या करना है मैं फिर से बता देती हूँ। फिर से हमने यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, पावर पॉइंट लिखा, पावर पॉइंट ये देखिए यहाँ पे लिखा हमने। ठीक है, यहाँ से हमने ये वाला बॉक्स आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम बंद करेंगे और ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा ओपन करने के लिए, फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्लिक ऑन फाइल टैब, तो हम यहाँ फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्लिक ओपन कमांड, अब हम यहाँ पे ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन कमांड पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी पे। ठीक है, क्योंकि दिस पीसी पे हमने क्लिक किया था तो दिस पीसी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और फिर आप क्या करेंगे, दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये आपकी कुछ फाइलें यहाँ पर ओपन हो गई। अब इसमें से आपको नाम, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना होगा कि आपने अपने प्रेजेंटेशन का कौन सा नेम दिया था। तो ये देखिए मैंने क्या नाम दिया था, APS डॉक्यूमेंट, मैंने APS डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप का होगा आपका सेलेक्ट दैट फाइल, एंड फिफ्थ स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। तो आप यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे या ओपन बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये आपकी विंडो जो आपने APS डॉक्यूमेंट की बनाई थी वो ओपन हो गई। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या है हम लोगों का स्टूडेंट्स, क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। तो हम ये अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे क्लोज करेंगे, इसके लिए स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन फाइल टैब, तो हम फाइल टैब पे यहाँ पर, ये देखिए फाइल टैब दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया क्लोज ऑप्शन पे।
तो ये देखिए, ये आपकी पावर पॉइंट की विंडो क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आपने पावर पॉइंट सेव नहीं किया है तो उसमें सेव का ऑप्शन आता है ना, तो तब आप उसको सेव का ऑप्शन आएगा तब आप उसको सेव कर लीजिएगा। कभी कभी होता है अगर आपने सेव करी हुई है तो नहीं आता है ऑप्शन, तो आप अपने उसके अगर आपने तो सेव पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम फाइल में जाके क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा कौन सा विंडो, जो पावर पॉइंट की जो करेंट जो विंडो है, करेंटली जो ओपन विंडो है वो क्लोज होती है। ठीक है, पावर पॉइंट हमारा देखिए पूरा पावर पॉइंट ओपन है, है ना, ये देखिए पावर पॉइंट दिख रहा है, ये पावर पॉइंट ओपन है हमारी, कौन सा खाली उसमें की जिस पेज में हमने जो स्लाइड्स बनाई थी वो स्लाइड वहाँ पर वो स्लाइड सब वहाँ से क्लोज हो गई हैं। ठीक है, पावर पॉइंट पूरा क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज जो टाइटल बार है, टाइटल बार में जो क्लोज बटन है ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ये क्लोज बटन, आप टाइटल बार के क्लोज बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो पावर पॉइंट की विंडो है वो पूरी क्लोज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।